कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों द्वारा मारपीट करने एवं स्थानीय पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करते हुए कब्जाधारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जिले के ग्राम चावला खेड़ी निवासी विक्रम मुकेश पिता मनपाल जाटव ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एसपी से मुलाकात कर आवेदन सौंपा। शिकायत में बताया गया कि विक्रम और मुकेश ने बताया कि हमारी भूमि ग्राम चावला खेड़ी तहसील व जिला देवास में स्थित है। उक्त भूमि पर हमारा परिवार कृषि कर पालन पोषण करता आ रहा है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। भूमि के संबंध में न्यायालय में केस चल रहा है। उस दौरान ही ग्राम खापरा तहसील तराना निवासी राजेश वडाल, नारायण वडाल व उनके परिवार के 8 से 10 सदस्य हमारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कब्जाधारियों को विजयगंज मंडी पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 29 जून 2023 को दोपहर 1 बजे मैं व मेरे परिवार की महिलाएं खेत पर कार्य कर रहे थे, तभी राजेश और नारायण अपने 8-10 साथी के साथ ट्रैक्टर व हथियार लेकर हमारे खेत पर आए व अवैध कब्जा करने की कोशिश की। हमारे द्वारा मना करने पर हमारे साथ हाथापाई व मारपीट करते हुए महिलाओं पर पत्थर फेंके, हमें गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने जब हम विजयगंज मंडी थाना पहुंचे तो थाने में उपस्थित पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हम पर अवैध रूप से दबाव बनाया जा रहा है, हमारे द्वारा की गई शिकायत खत्म करना कर टेक हम पर अवैध रूप से दबाव बनाया जा रहा है, हमारे द्वारा की गई शिकायत खत्म करने हेतु हमें डराया धमकाया जा रहा है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हमारे साथ घट चुकी है। घटना के उपरांत पुलिस विजयगंज मंडी ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी एवं हमारे घर पर 2 महिला पुलिस व अन्य पुलिस वाले को भेजकर हमारे घर में मोबाइल ढूंढवा रही थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मांग की है कि हमारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत मारपीट करने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई, संबंधित थाने के अधिकारी को रिपोर्ट दर्ज किए जाने के आदेश करें। साथ ही हमारे साथ कभी भी घटना घट सकती है, इसलिए हमारी जान माल की रक्षा की जाए। देवास से ओम प्रकाश सैन की रिपोर्ट। दादा बताएं क्या समस्या लेकर भी आप एसपी कार्यालय आए और आपने आवेदन दिया? ये गुजर लोग मेरी जमीन पे जबरदस्ती से कब्जा कर रहे हैं और कोर्ट में केस चल रहा है। अभी कोर्ट का निर्णय मेरे पक्ष में कर दिया है, स्टे ऑर्डर मेरे को दे दिया। इसके बाद भी 20-25 लोग आते हैं और मेरी जमीन पे कब्जा करते हैं। आपकी जमीन कहाँ पर है और कौन लोग आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? मेरी जमीन है ये चापला खड़ी में विजयगंज मंडी के पास में। हाँ, और ये जबरदस्ती से मेरी जमीन छीनना। कौन लोग हैं ये? गुजर लोग हैं और 20-25 लोग आते हैं। तो इनकी शिकायत आपने करी पुलिस में? इनकी शिकायत मैंने 4-4 आवेदन मतलब विजयगंज मंडी दे दी है। वो मतलब कई साल रिपोर्ट नहीं लेते हैं वो। इसके बाद 3 हेल्पलाइन मैंने कर रखी है। हाँ, कल क्या कुछ विवाद हुआ? कल विवाद हुआ, हमारे दोनों लाड़ियों में थी, उनके साथ में उनको उन लोगों ने मारपीट करी और मैं गया तो मेरे पे पत्थर लेके 20-25 लोग दौड़ भागे। नहीं, लेकिन जमीन आपकी है तो विवाद क्यों कर रहे हैं? इसका तो कुछ कारण होगा। इसका कारण ये है कि ये जमीन मैंने उनको ऐसे हमारी मम्मी ने दे रखी थी, मतलब कुछ पैसे कौड़ी लेके। अब उनने पैसा दिया नहीं दिया मेरे को कोई मालूम नहीं। अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है? हाँ, इसमें इसका कोर्ट में केस चल रहा है 2019 से। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये चाहता हूँ मैं कि जो भी कोर्ट से फैसला होगा वो फैसला मेरे को मंजूर है, इसके बाद मेरी खेती मेरे को लोग करने नहीं देते। कितने बीघा जमीन है आपकी? 6 बीघा। कितने लोग हैं आपके परिवार में जिनके हिस्सा इसमें? उसके परिवार में कम से कम 20-25 लोग आते हैं। अभी हमला भी हुआ था आपको? हमला हुआ था कल मैं विजयगंज मंडी गया तो विजयगंज मंडी पे मैं हेल्पलाइन करी तो इसके बाद भी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई मेरी। और इसके बाद वो हेल्पलाइन लेने का बार बार बोलते हैं। इसके बाद एक हेल्पलाइन और 18 तारीख को करी थी मैंने, उसका भी अभी तक कोई भी सबूत नहीं है मेरे। किस थाने पे गए थे? थाने प्रभारी का कुछ नाम वगैरह? क्या नाम अधिकारी का? अधिकारी का काशी माटी। ठीक है भाई, बताएं अभी आप यहाँ पर एसपी ऑफिस आए हैं, क्या कारण है? मेरे को है ना, वो कल खेत पे आए थे, वो 20-25 लोग आए थे, वो 20-25 लोग आए, 2 ट्रैक्टर लेकर आए थे वो। उन्होंने हमने बोला कि है ना आप क्या, हम भी मत बो, तुम भी मत बो। तो बोलने लगे कि नहीं, हम तो हमको तो बस बोना है, इनकी मत बो। बोले कि नहीं, हम तो बोएंगे। फिर भी वो तो बोलने का क्या, कुछ भी नहीं बोलते वो तो। हम बोले वो बस मारने के लिए। कल क्या हुआ फिर? कल क्या, उन्होंने कल मारपीट करी हमारे साथ में, गाली गलौज करी उन्होंने। तो ऐसा पहली बार ही हुआ कि इसके पहले भी हुआ? नहीं, पहली बार हुआ है। कितने सालों से आप वहाँ पर खेती कर रहे हो? ये खेती तो हम तक कम से कम शुरू से कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा रेखा।